हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स प्लानेट। सो लास्ट लेक्चर में हमने एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करा था और उसका बेसिक्स कंप्लीट किया था और एक क्वेश्चन पॉइंट लोड का सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग पॉइंट लोड उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करा था। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। लास्ट टाइम हमने पॉइंट लोड का करा था, अब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का ड्रॉ करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने डिस्कस करा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, एंटायर लेंथ पे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, ये मेरे पास एल लेंथ की एक बीम है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है एंटायर लेंथ का डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि ये जो सपोर्ट लग रहे हैं वहां पे रिएक्शन निकालना, दैट इज आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। डब्ल्यू इंटू एल क्यों आया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उस पर टोटल जो लोड इंटेंसिटी होती है दैट इज योर डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू जीरो, वही हमने साइन कंसिडरेशन क्या लिया था जब मूवमेंट निकालना था, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो आर ए इंटू जीरो हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया। अब इस लोड का जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है डाउनवर्ड में, इस ए सेक्शन के अबाउट इसका मूवमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, दैट इज योर माइनस। अब टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू इंटू एल, ये तो टोटल लोड है, ठीक है। तो कहां पे एक्ट करता है ये, सेंटर पे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है, दैट इज एल बाय टू, प्लस तीसरा लोड कौन सा है आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आर बी इंटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, एक एल से एक एल कट गया, दैट इज डब्ल्यू एल बाय टू। ये आर बी की जब मैंने वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करी तो आर ए कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाय टू। सो वी गेट आर बी और आर ए कितना हो गया, डब्ल्यू एल बाय टू, क्लियर। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन को फाइंड आउट करना। रिएक्शन हमने निकाल ली और एक पर्टिकुलर साइन कन्वेक्शन हम यूज करेंगे जो हमने बेसिक में डिस्कस करा था कि साइन कन्वेक्शंस क्या होते हैं रिएक्शंस निकालने के लिए। नाउ अब हम क्या करें, नाउ अब हम सेक्शन लेंगे, यहाँ पे ए से बी लेंथ के बीच में मैं कहीं भी एक सेक्शन बीच में कट कर लूंगा, दो लोड के बीच में एक सेक्शन लेते हैं, तो मैंने एक सेक्शन कट कर लिया यहाँ पे, दैट इज योर वन वन सेक्शन, दैट इज ए पॉइंट। तो ये डब्ल्यू एल बाय टू एक लोड लग रहा था, तो एक्स दूरी पे मैंने क्या करा, एक सेक्शन ले लिया और यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो लग रहा है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो साइन कन्वेक्शन मैंने लास्ट टाइम बेसिक्स में डिस्कस करा था कि क्या साइन कन्वेक्शन लेने हैं जब मैं लेफ्ट से सेक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लेफ्ट से एक सेक्शन ले लिया है, तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो शियर फोर्स एट वन वन सेक्शन। अपवर्ड फोर्स क्या है, डब्ल्यू एल बाय टू, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डब्ल्यू इंटू में एक्स, दिस इज द टोटल लोड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, ये टोटल लोड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो अब हम कहां कहां पे देखेंगे, इसके लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे सेक्शन लिया बीच में, दैट इज ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दिस इज एक्स बराबर जीरो, दिस इज एक्स बराबर एल। तो एट एक्स बराबर जीरो पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, जब मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो डेट इज डब्ल्यू एल बाय टू, और एट एक्स बराबर एल पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एल पे, तो डेट इज योर माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, डेट इज माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, क्योंकि जब मैं एक्स की जगह एल रखूंगा तो डब्ल्यू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एल, डेट इज माइनस डब्ल्यू एल बाय टू। तो ये आ गया मेरा x बराबर जीरो पे और x बराबर l पे शियर फोर्स। अब मैं बात करता हूं बेंडिंग मूवमेंट की, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट वन वन सेक्शन कितना हो जाएगा, देखो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो ये फोर्स लग रहा है डब्ल्यू एल बाय टू, इसका सेक्शन के अबाउट, ये है सेक्शन मेरा, तो लेफ्ट सेक्शन पे क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव,
तो सबसे पहले डब्ल्यू एल बाय टू इंटू में एक्स, एक्स डिस्टेंस है ना सेक्शन के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक डब्ल्यू इंटू एक्स तो लोड लग रहा है, सेक्शन के अबाउट कैसा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, ये जो लोड लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इस बीम पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा माइनस साइन, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट सेक्शन पे। डब्ल्यू इंटू एक्स तो टोटल लोड हो गया, कहाँ पे एक्ट करता है सेंटर पे, जितनी भी लेंथ पे वो लग रहा है उसके सेंटर पे एक्ट करता है, डेट इज एक्स बाय टू। ठीक है, ये चीज क्लियर है बिल्कुल। तो अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे। तो एट एक्स बराबर जीरो पे कितना हो जाएगा ये बेंडिंग मोमेंट, जीरो। और एट एक्स बराबर एल पे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एल पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू ये जीरो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो जब हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं, और शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये है मेरे पास x बराबर जीरो पे शियर फोर्स कितना है डब्ल्यू एल बाय टू प्लस का, तो हमने पॉजिटिव साइड में डब्ल्यू एल बाय टू लेट अस से ये हम एस एफ डी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये डब्ल्यू एल बाय टू हो गया। ठीक है, अब जब मैं सेंटर पे इसके एल पे आ रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना है माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, तो यहां से डब्ल्यू एल बाय टू से माइनस डब्ल्यू एल बाय टू मिला दिया, तो दिस इज योर सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये एक्सिस को मीट करेगा इसको सेंटर पॉइंट पे, तो ये एस एफ डी हो गया, दिस इज योर पॉजिटिव एस एफ डी और दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है, तो इसके सेंटर के बीच के पार्ट को लेफ्ट में ये पॉजिटिव है और राइट में ये नेगेटिव है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये ध्यान रखनी है कि जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होता है, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होता है, ये जो पॉइंट है ये शियर फोर्स जीरो हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो जब शियर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा, तो ये पहले बीएमडी की हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एक्स बराबर जीरो पे कितना है जीरो, और एक्स बराबर एल पे भी कितना है जीरो, लेकिन समवेयर इन बिटवीन यहाँ पे ये मैक्सिमम की साइड जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते कैसे हैं कि ये नीचे की साइड से जाएगा या ऊपर की साइड से जाएगा। देखो शियर फोर्स यहाँ पे स्लोप के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स के। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, ये रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन दैट डी एम बाय डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स। तो देखो जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स सेंटर तक देखो डिक्रीज हो रहा है, तो जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, मेरा बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि यहां से चले और यहां पे देखो डिक्रीज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड शियर फोर्स का, जीरो तक आ रहा है, तो कैसा होगा डिक्रीजिंग स्लोप होगा, तो और सेंटर पे जाके बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि शियर फोर्स जीरो है, तो डिक्रीजिंग स्लोप यहां पे आ गया। अप टू दिस पॉइंट दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीज होता जा रहा है स्लोप, यहां पे स्लोप ज्यादा है यहां पे स्लोप कम है। उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, ये जीरो पे जा रहा है, लेकिन अब आप यहां से देखिए यहां से यहां तक शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यहां पे जीरो है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, तो अब क्या होगा स्लोप इंक्रीजिंग होगा और जीरो पे जा रहा है ये इंक्रीज होके, यहां से यहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखनी है जब हम यूडीएल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जीरो आ रहा है यूडीएल के,
बट शियर फोर्स अपना जब भी साइन चेंज कर रहा है तो जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होगा उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड बीएमडी, ये है मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस क्वेश्चन का, क्लियर है? तो इस तरह से हम बेंडिंग, अब हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है क्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनी, ठीक है, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एल बाय टू पुट कर देंगे। करके देख लेते हैं, एक्स की जगह एल बाय टू, तो यहां पे जब मैंने एक्स की जगह एल बाय टू पुट करा, दैट इज एल बाय टू, यहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, दैट इज डब्ल्यू इंटू एल बाय टू इंटू एल बाय टू, ठीक है, एक्स की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, एल बाय फोर, टू टू जा फोर, क्लियर? तो विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट। जब मैंने एलसीएम ले लिया एट, तो कितना आ जाएगा, टू डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो डेट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, डेट इज ये वाली जो डिस्टेंस है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, क्लियर है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब हमने यहां से ऊपर की साइड लिया था, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो इसका मतलब हमने वो गलत ले लिया, ये नीचे की साइड बनेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव आ रहा है सेंटर पे, कितना होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। तो क्लियर है ये यूडीएल का क्वेश्चन। अब हम कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड का क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नाउ कैंटिलीवर बीम है ये हमारे पास, जो कि फिक्स्ड है अपने एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से ये फ्री है। तो अब इसके फ्री वाले एंड पे, लेट अस से ये फिक्स्ड एंड है इसका, और ये जो बी पॉइंट है वो इसका फ्री एंड है, उस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, कितना, डब्ल्यू न्यूटन का, ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। अब कैंटिलीवर बीम है तो रिएक्शन निकालने की अभी जरूरत नहीं है हमारे पास, हमारे पास एक पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू न्यूटन का, एस एफ डी और बी एम डी हम इसका ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अब ये यहाँ से फिक्स है, तो जहाँ से फ्री एंड है इसका वहाँ से हम सेक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास चॉइस नहीं है कि लेफ्ट से लें या राइट से लें, जहाँ से फ्री एंड है वहाँ से हमने सेक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। अगर ये इस तरह से होती, ठीक है, बीम इस तरह से होती, ये फिक्स्ड है, ये फ्री है, ये लोड डब्लू, तो हम लेफ्ट से सेक्शन लेते, बट यहाँ पे ये फ्री नहीं है, ये यहाँ से इस पॉइंट से फिक्स्ड है, यहाँ से ये फ्री है, तो हमने सेक्शन राइट से ही लेना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही, तो मैं यहाँ से राइट सेक्शन ले लूँगा, एक अपने राइट सेक्शन, राइट से जब लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लोड लग रहा है W। अब सेक्शन तो मुझे एक्स दूरी पे ही लेना है, ये वन वन सेक्शन एक्स दूरी पे, मैंने यहाँ से इस पॉइंट से बी पॉइंट से एक्स दूरी पे एक सेक्शन ले लिया, कंसीडर कर लिया। अब वही चीज निकाली, क्या निकाला, शियर फोर्स एट वन वन सेक्शन। अब राइट सेक्शन पे ध्यान रखो, जो साइन कन्वेक्शन पिछली बार लिखवाए थे वो ध्यान रखो, अब एक बार वीडियो वन में, जो लेक्चर वन में जो देखोगे वहां से पता चल जाएगा कि राइट सेक्शन पे डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होता है और अपवर्ड फोर्स नेगेटिव होता है। तो यहां पे सिर्फ डब्ल्यू लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का डब्ल्यू, डेट इज प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब कहां पे चेक करेंगे, इसके इस एंड पे और इस एंड पे, क्योंकि इनके बीच में कोई और दूसरा लोड नहीं है। तो एट एक्स बराबर जीरो पे, दैट इज बी पॉइंट पे, कितना हो जाएगा, ये प्लस का डब्ल्यू हो जाएगा। और ऐसे ही एक्स बराबर एल पे, ये ए जो ए पॉइंट हो जाएगा, ये एक्स बराबर एल हो जाएगा, क्योंकि मैंने राइट से लिया है, तो दिस पॉइंट इज जीरो, दिस पॉइंट इज एल, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कोई भी टर्म नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं वन वन सेक्शन पे, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, देखो राइट सेक्शन है, सेक्शन के अबाउट इस पॉइंट का मूवमेंट क्लॉकवाइज, और राइट सेक्शन पे क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, तो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज माइनस डब्ल्यू इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, क्लियर? तो अब कहाँ कहाँ पे, लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे, यहाँ पे एक्सट्रीम लिमिट्स पे, एक्स बराबर जीरो पे,
कितना हो जाएगा ये जीरो, और x बराबर a पॉइंट पे, x बराबर l पे कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल जब मैंने l पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमें रिएक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ पे बेटा कोई रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करनी। तो अब अच्छा शेप कैसी आएगी ये ध्यान रखनी है। ठीक है, शेप कैसी आएगी ये ध्यान रखना है, जो शेप लिखवाई थी कांस्टेंट होगा लीनियर होगा ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी शेप उसमें पैराबोलिक आ रही थी। तो अब अच्छा स्टार्ट यहां से करेंगे क्योंकि राइट से सेक्शन लिया है हम, यहीं से हमारा x बराबर जीरो ये है, यहां से स्टार्ट नहीं करना है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहां से स्टार्ट करना है। तो क्या है x बराबर जीरो पे w है, तो w आ गया। अब पॉइंट लोड है कैसा आएगा, कांस्टेंट रहेगा, पॉइंट लोड है तो, पॉइंट लोड है तो कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहां पे जीरो पे भी w है, यहां पे भी w है, तो पॉजिटिव का W ये कांस्टेंट रहेगा, यहां तक ये बन गया मेरा पॉजिटिव SFT। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड SFT। ठीक है, नाउ बेंडिंग मोमेंट x बराबर जीरो पे कितना है, जीरो है, x बराबर L पे कितना है माइनस डब्ल्यू एल है, तो दिस इज जीरो एंड डब्ल्यू एल कैसा जाएगा, BMD की शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, लीनियर एंड माइनस है तो इसलिए ये नीचे की साइड जा रहा है डब्ल्यू एल। क्लियर है, दिस इज योर नेगेटिव BMD, दिस इज योर पॉजिटिव SFD। क्लियर, इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं SFD और BMD के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम इस कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास क्या लग रहा होगा, UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होगा, और कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे, एक डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं SFD BMD के वो क्लियर होंगे।